हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेट इंजीनियरिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए रिवीजन आपको कैसे करना है। तो रिवीजन में फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि आप कैसे, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रिवीजन करना चाहते हो। तो हर एक स्टूडेंट के लिए रिवीजन फ्रीक्वेंसी कैन बी डिफरेंट। हर एक स्टूडेंट का मास्टर अलग अलग सब्जेक्ट में हो सकता है कि किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छे से आता है, किसी को एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छे से आता है, किसी को कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे से आता है। तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी चाहिए। बट उसमें आपको से एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि 60 दिन से ज़्यादा कोई भी सब्जेक्ट को कम्प्लीट हुए नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका एक बार तो रिवीजन एटलीस्ट हो चुका होना चाहिए, राइट? तो मैक्सिमम 60 डेज़ है जितना आप उसको अलाउ कर सकते हो। उसके बाद एक बार तो आपको रिवीजन करना ही करना है, राइट? ये हुई ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी की बात कि मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो, तो 60 डेज। देन सेकेंड चीज़ आती है रिवीजन, हाउ टू डू द रिवीजन। तो उसमें हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि रिवीजन एक्चुअली कैसे करना चाहिए, राइट? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक ही मेथड फॉलो करते कि अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया है आज, तो 2 महीने बाद अगर उसका रिवीजन कर रहे तो उस टाइम पे वो लोग कॉन्सेप्ट से फिर से जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस के लिए बहुत कम टाइम देते। ये जनरली आइडियली स्टूडेंट्स फॉलो करते, बट दैट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड। रिवीजन का मीनिंग ये होता है कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसकी मेथड को रिवाइज करना, उस मेथड को रिकॉल करना, ना कि कॉन्सेप्ट से फिर से जाके थियरी को समझना। कॉन्सेप्ट का मीनिंग ही ये है कि भाई वो एक ही बार समझा जाता है, अगर समझ में आ गया तो फिर उसके ऊपर से क्वेश्चंस करने होते हैं। तो रिवीजन के टाइम पे भी वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वेन एवर यू आर डूइंग अ रिवीजन, तो आपको कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसमें भी मोस्ट पर्टिकुलरली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, उस मेथड को ही रिकॉल करना है। आपको फिर से सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उस मेथड को रिकॉल करना है वाइल डूइंग द रिवीजन। तो ये करने के लिए आप कौन सा स्टेप फॉलो कर सकते हो? तो जब आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको रिवीजन के टाइम उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन ईजिली याद आ जाए, उसके लिए आप हर एक क्वेश्चन के बाजू में आप उसका कॉन्सेप्ट का जस्ट टाइटल लिख सकते हो, राइट? जैसे कि हम बात करें मैथमेटिक्स में, अगर कैलकुलस का कोई क्वेश्चन है और उसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो जस्ट आप क्वेश्चन के बाजू में एल हॉस्पिटल करके लिख दोगे, तो वाइल ड्यूरिंग द रिवीजन जब आप उस क्वेश्चन को देखोगे और साथ में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ोगे, तो आपको इंस्टेंटली पूरी मेथड रिकॉल हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में आपने कौन से स्टेप्स लिए थे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितनी बार कोई सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। तो आइडियल है कि 3 बार तक आप रिवीजन करते हो, तब जाके वो क्वेश्चन आइडियली 3 बार जब आप कोई सब्जेक्ट को रिवीजन करते हो, सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो, तब जाके वो सब्जेक्ट आपका गेट के लिए 90% तक प्रिपेयर हो जाता है, राइट? तो मिनिमम यू हैव टू ट्राई कि 2 से 3 बार तक आप रिवीजन का शेड्यूल में रखो और उतनी बार उसको रिवाइज करो। दूसरी एक टेक्निक मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन शेड्यूल के लिए। आप जब वाइल सब प्रिपेयर कर रहे हो सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हो, राइट? तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको 3 कलर की मार्कर या एनी 3 टाइप के मार्क्स जो आप मार्क करोगे, कौन से 3 टाइप के होंगे? फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करो जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में। आइडियल टाइम 2 मिनट होना चाहिए, बट आपको 5 से 10 मिनट लग गए, खुद ही से किया आपने बट आपको ज़्यादा टाइम लगा, उसको एक कलर या कोई एक मार्क से आप टिक करोगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी टाइप ये होगी कि जिसमें आपको सॉल्यूशन देखना पड़ा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशन देखा तभी आपको समझ में आया, दैट इज़ अ सेकेंड टिक मार्क। और थर्ड टाइप है कि जिसमें आपको सॉल्यूशन तो देखा फिर भी समझ में नहीं आया और आपको कॉन्सेप्ट तक फिर से जाना पड़ा, तो उसको थर्ड मार्क टिक करो। तो जब आप रिवीजन करोगे तो यही सीक्वेंस में आपको रिवीजन भी करना है। जो आपने लास्ट में मार्क किया जिसमें कॉन्सेप्ट तक रिवाइज करना पड़ा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है, बिकॉज उसमें आपका कॉन्सेप्ट वीक है। जो सेकेंड टाइप की टिक थी जिसमें सिर्फ सॉल्यूशन देखने से समझ आ गया, उसको कंपेरेटिवली कम टाइम दोगे तो भी चलेगा। एंड जो लास्ट वन है जिसमें आपको टाइम लगा, उसमें सिर्फ स्पीड इंक्रीज करने की ज़रूरत है,
तो सबसे कम बार रिवाइज करना होता है, बिकॉज स्पीड तो जितनी बार आप सॉल्व करोगे उससे बढ़ जाएगी। तो ये तीन टाइप के मार्क्स आप कर सकते हो, जिससे आपके रिवीजन का सिलेबस जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो, रिकॉल भी कर सकते हो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत आ रही है। सो ये थी रिवीजन की तीन टेक्निक्स। क्विकली रिकॉल कर देते हैं कि पहले तो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, सेकंड कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करना है, एंड थर्ड है आपको टिक मार्क्स करने हैं अपनी मेथड से। तो ये तीन स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हो और मिनिमम तीन बार रिवाइज कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट को, तो वो सब्जेक्ट आपका गेट के लिए 80-90% रेडी हो ही जाएगा। यू कैन स्कोर 80-90% मार्क इन दैट सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।